आइए बात करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर में वोल्टेज जो हमारा आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में, और साथ ही साथ हम डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी देखते हैं। सो, अगर आप वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी देखना चाहो तो कैसे हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास आपका हो गया जनरेटर का स्टेटर, हमने एसी कहाँ रखी थी, स्टेटर पे। मैं सिंपल सिंगल फेज बना लेता हूँ ताकि समझा जा सके। तो आपने बोला सर ये हमारे पास एक स्टेटर का कंडक्टर हो गया ए, और ये ए डैश हो गया। यहाँ पे मैं एक रोटर यूज़ कर लेता हूँ, और इस रोटर पे मैं करंट फ्लो करा देता हूँ डीसी। इस डीसी करंट की वजह से रोटर के जो हैं वो परमानेंट पोल फॉर्म होंगे। तो आपने कहा सर ये हमारे पास रोटर है और इस परमानेंट पोल कह रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। आपने कहा सर ये हमारे पास जो करंट है वो आपने डीसी करंट बहाई, इस बहने वाली डीसी करंट ने राइट हैंड ग्रिप रूल का यूज़ किया जाए। तो आपने कहा सर ये हमारा एक फ्लक्स बनाएगा और इस पोर्शन को नॉर्थ और इस पोर्शन को साउथ बनाएगा, ठीक है। इसको आपने एक प्राइम मूवर से कपल किया और इसे घुमा दिया, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसको हमने एक प्राइम मूवर से कपल किया रोटर को, और रोटर को हमने घुमा दिया। तो प्राइम मूवर से इस रोटर को मान लीजिए हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोवाइड कर दी, और वो रोटेशन थी NRPM की। ओके, सो NRPM की रोटेशन हमने प्रोवाइड कर दी। तो आपने बोला सर अगर हम NRPM की रोटेशन प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कट करेगा कंडक्टर ए और ए डैश को। ये जो कंडक्टर ए और ए डैश है वो एक ही आपका कॉयल है, और उसी कॉयल को मैं एक टर्न से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारा कंडक्टर है ए और ए डैश, ओके, ए और ए डैश। तो आपने कहा सर अगर हम करंट पोजीशन को देखें तो करंट पोजीशन में हमारा जो फ्लक्स है वो यहाँ पर मैक्सिमम है और जो फ्लक्स है वो यहाँ पे मैक्सिमम है। ये हमारा कहलाता है फील्ड एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग आप कहोगे सर जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा डायरेक्ट एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। डी एक्सिस को फील्ड एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, और इससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल हमारा होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। और अगर हम क्वाड्रेचर एक्सिस की बात करें तो इसे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। सो, आपने कहा सर हमारा डायरेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग जब कंडक्टर होंगे तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। यानी मैक्सिमम का मतलब आपने कहा सर चूंकि ये नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में है, ये साउथ के इन्फ्लुएंस में है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। अब अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो मैंने आपको पोलैरिटी इंडक्शन में सिखाई थी, उसी का यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी फील्ड रोटेट होती हो और कंडक्टर रुका हुआ होता हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी जानने के लिए आप हमेशा क्या करिए, फील्ड को आप रोक दीजिए और कंडक्टर को आप उल्टी डायरेक्शन में घुमा दीजिए। आपने कहा सर ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारी फील्ड है, ये ऐसे घूम रही है, इसके बजाय हम क्या करें कंडक्टर फील्ड को रोक देते हैं और कंडक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो अगर कंडक्टर को हम इधर घुमाएंगे तो हमने राइट हैंड रूल का यूज़ किया, ऑलवेज रिसीव द फ्लक्स ऑन दिस सर्फेस, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ पोलैरिटी कैन बी मार्क्ड इन टर्म्स ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द कंडक्टर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी अगर देखी जाए तो वो आप मार्क कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द कंडक्टर। तो आपने कहा सर यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे क्रॉस आएगा, डॉट का मतलब यहाँ आउटवर्ड होगा और यहाँ इनवर्ड होगा। आपने कहा सर अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी मार्क करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी जो हमें देखने को मिलेगी वो ये वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हो सर जो हमारा वोल्टेज आएगा वो यहां पर कह सकते हैं, मान लेते हैं 10 वोल्ट आ रहा, तो आपने कहा सर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ 10 वोल्ट और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 10 वोल्ट्स आ रहा, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे VAA डैश पे क्या होगा। आप बोलोगे सर VAA डैश पे जो वोल्टेज होगा
वो 20 वोल्ट्स मिलेगा। अब जैसे जैसे रोटर आगे को मूव करता जाएगा, रोटर घूम रहा है, जैसे जैसे रोटर आगे को मूव करता जाएगा, आप बोलोगे सर ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स हमारा क्वाड्रेचर एक्सेस की तरफ कम होता जा रहा है, और जैसे ही क्वाड्रेचर एक्सेस पे, यानी ये कॉइल जो है वो क्वाड्रेचर एक्सेस पे अलाइन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपने बोला सर अगर हम रोटेशन परफॉर्म करते चले जाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घटता चला जाएगा, और जब ये आप 90 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म कर दोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो आफ्टर 90 डिग्री ऑफ रोटेशन आपने कहा सर हमारा जो स्टेटर है वो किस एक्सेस पे पहुंच जाएगा? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे पहुंच जाएगा। ओके सो आपने कहा सर 90 डिग्री की रोटेशन के बाद, 90 डिग्री की रोटेशन के बाद आपने कहा सर हमारा फील्ड जो है वो यहाँ पहुँच गया। प्लीज़ ऑब्जर्व करिएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, हमारा रोटर जो है वो रोटेट कर रहा, जिसकी वजह से फील्ड हमारा यहाँ पहुँच गया। तो आपने बोला सर जब हमारा फील्ड यहाँ पहुँच गया तो उस समय आप बोलोगे सर यहाँ ए और ए डैश में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कॉयल है उसके अक्रॉस अगर वोल्टेज पर देखोगे तो उस वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल क्या हो जाएगा? आपने बोला सर जीरो, यानी वी ए ए डैश क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा 90 डिग्री पे, आफ्टर 90 डिग्री ऑफ रोटेशन, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन। ओके अगर मैं फर्दर रोटेट कर दूँ 90 डिग्री, यानी फ्रॉम द इनिशियल 180 डिग्री ऑफ रोटेशन, आफ्टर 180 डिग्री ऑफ रोटेशन आपने बोला सर आफ्टर 180 डिग्री ऑफ रोटेशन आप कह सकते हो सर हमारा जो साउथ है वो ऊपर आ जाएगा और नॉर्थ हमारा नीचे चला जाएगा। तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद आप कहोगे सर ये हमारा क्या बन जाएगा? नीचे नॉर्थ बनेगा और ऊपर क्या बनेगा? साउथ बनेगा। यानी यहाँ तक आपका रोटर जो है वो रोटेट कर गया। तो जब रोटर यहाँ तक रोटेट कर गया तो अब ए डैश अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ हो जाएगा और ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ हो जाएगा। तो आपने कहा सर ए डैश और ए के अक्रॉस जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो क्या आएगी? ये आपका ए है, ये आपका ए डैश है, यहाँ पे ए और ए डैश में कोई करंट नहीं आई, और यहाँ पर ए और ए डैश में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? आपने बोला सर 10 ही वोल्ट आएगा और 10 ही वोल्ट आएगा, लेकिन अब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी डॉट आएगी और यहाँ क्रॉस आएगी। आपने बोला सर यहाँ से देखें तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी? पलट जा रही। तो आपने कहा सर अब यहाँ पे करंट हमारी आती हुई दिखा रही है और यहाँ जाती हुई, मतलब ये हमारा प्लस माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये हमारा माइनस प्लस माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो वी ए ए डैश हमें क्या मिला? आपने बोला सर -20 वोल्ट्स। ओके सो ये हमने ये देखा कि अगर हमारा यहाँ पर पोजिशन था तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ 20 वोल्ट मिला, फिर यहाँ पर 0 वोल्ट हुआ, फिर यहाँ -20 वोल्ट्स हुआ। इसी तरह से हम घुमाते चले जाएं तो जो वोल्टेज वेव फॉर्म जनरेट हो रही है वो कैसी जनरेट होगी? तो यहाँ पे अगर हम देखें ए ए डैश के बारे में तो ए ए डैश में कितना आपका वोल्टेज जनरेट जो हो रहा है उसको अगर आप देखिएगा तो वोल्टेज जनरेट कैसा हो रहा है, यहाँ पर हमारा 20 वोल्ट्स हो रहा था 0 डिग्री रोटेशन पे, फिर हमने रोटेशन परफॉर्म किया, जैसे जैसे रोटेशन हमारा आगे बढ़ता जा रहा था फ्लक्स घटता जा रहा, और फ्लक्स घटने का मतलब हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होता जा रहा, क्योंकि अगर फ्लक्स कम हो रहा तो d∅dt इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो रहा। आपने कहा सर 90 डिग्री रोटेशन के बाद कितना हो जाएगा? जीरो। फिर उसके बाद फर्दर 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? आपने बोला सर ये हो जाएगा 180 पे मैक्सिमम, और कितना? -20 वोल्ट्स। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 20 वोल्ट से। तो यहाँ तक मैंने आपको शो किया। अब फिर आप फर्दर अगर रोटेशन प्रोवाइड करते जाओगे तो फिर वोल्टेज कम होता जाएगा और 90 डिग्री के बाद फिर से क्या हो जाएगा? ज़ीरो, यानी 270 पे फिर ज़ीरो और 360 पे फिर सेम एज द 0 डिग्री इंस्टेंट। तो आपने कहा सर यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, एसी नेचर का इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके सो जैसे जैसे आप इसे घुमाते जा रहे हो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह का एसी जनरेट हुआ। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपने कहा सर यही अगर हम यहां पर देखें तो नंबर ऑफ साइकल्स इन
वन रोटेशन, एक रोटेशन में इंड्यूस डीएमएफ की कितनी साइकल्स पूरी हुई, नंबर ऑफ साइकल्स ऑफ इंड्यूस डीएमएफ इन वन रोटेशन। आपने कहा सर एक पूरा 360 डिग्री का रोटेशन करने में, एक पूरा रोटेशन होने में एक साइकिल आपकी यहाँ पे इंड्यूस्ड हुई। कितने पोल की मशीन थी? दो पोल की मशीन थी। यही मान लीजिए अगर हमारे पास चार पोल की मशीन होती, तो आप चार पोल की मशीन होती तो क्या होता, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमारी दो पोल की मशीन थी, तो दो पोल की मशीन में आपने ये पाया कि सर एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट रोटेशन में नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी पूरी हुई, एक साइकिल। तो ये कितने पोल की मशीन मैंने दिखाया था, दो पोल की मशीन दिखाया था, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने दो पोल की मशीन दिखाई थी, तो दो पोल की मशीन में एक साइकिल कंप्लीट हुआ एक रोटेशन में, दो पोल की मशीन में। यही अगर मेरे पास चार पोल की मशीन होती, यही मेरे पास अगर चार पोल की मशीन होती तो ध्यान से देखिएगा। आप कहोगे सर अगर ये मशीन आपकी चार पोल की होती, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो इस नॉर्थ से इस नॉर्थ तक आने में ही एक साइकिल पूरी हो जाती, तो ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती, यानी एक रोटेशन में दो साइकिल कंप्लीट हो जाती। तो आपने कहा सर नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इंड्यूस डीएमएफ इन वन रोटेशन इज इक्वल्स टू पी बाई टू, वेयर पी इज द नंबर ऑफ पोल। आपने कहा सर दो पोल हैं तो एक रोटेशन में एक साइकिल, और चार पोल हैं तो एक रोटेशन में दो साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या होगा? आपने कहा सर एक सेकंड में, या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड कहते हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड क्या होगा? आपने कहा सर n बाय 60, n बाय 60, आपने कहा n जहां पे n किस में था, आरपीएम में, ओके। सो आपने कहा सर यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ साइकल्स ऑफ इंड्यूस डीएमएफ इन वन सेकंड will become Pn by 120, where n is the rotation of the rotor। कितनी तेज आप रोटर को घुमाते हैं, ये आपका n rpm है। सो आपने कहा सर जितनी तेज हम आपका घुमाएंगे उतना ज़्यादा आपका ये cycles complete करेगा, जितना तेज हम घुमाएंगे उतनी जल्दी ये cycle complete करेगा। यानी frequency of induced emf क्या हुआ, induced EMF in frequency of induced EMF, frequency of induced EMF will become frequency of induced EMF is equals to PN by 120, जहां पे N क्या है, यही n आपके मशीन की सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है बेटा जी। सो यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ देखा, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ वो कितना होता है, पी एन एस बाय 120, वेयर एन एस इज बेसिकली द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर हेयर, ओके। अब आपने कहा सर जनरेटर के केस में मान लीजिए हमें 50 हर्ट्ज की सप्लाई चाहिए थी, तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई चाहिए थी तो उसके लिए रोटेशन की बात की जाए तो रोटेशन क्या होगा, कितना तेज हमें घुमाना पड़ेगा, तो अब ये निर्भर करेगा नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ मशीन। आइए इस बात को आगे समझते हैं। अभी हमने ये सीखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ हमारा पी एन बाय 120 है, जहां एन हमारा स्पीड ऑफ रोटेशन था, क्योंकि हमारी वाइंडिंग तो हमेशा स्टेशनरी थी, तो जितना तेज हम रोटर को घुमा रहे थे वही हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ आ रही थी। बेटा बहुत जरूरी है कि आप इससे पहले वाले टॉपिक को ध्यान से देखें, ओके। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, मैं आपको सिंक्रोनस जनरेटर में, थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर में थ्री फेज जनरेशन को फील कराने की कोशिश करता हूं। बड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे यहां थ्री फेज है वो ये थ्री फेज जनरेटर किस तरह से जनरेट कर रहा है, इस बात पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास थ्री फेज मशीन है, तो थ्री फेज मशीन का मतलब हुआ कि ए फेज से बी फेज आपका 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, और बी फेज से सी फेज आपका 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, ओके। सो ये कहलाएगा बैलेंस्ड थ्री फेज स्टेटर, ओके। सो ए फेज
से बी फेज आपका 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है और बी फेज से सी फेज आपका 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। ये हमारा हो जाएगा ए ए डैश, बी बी डैश, ओके, और सी सी डैश। तो आपके पास ये एक थ्री फेज स्टेटर है। अगर मैं इस थ्री फेज स्टेटर की बात करूं तो यहाँ ए ए बी सी कैसे है जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर वाइंडिंग को शो कर देता हूं। ये हमारे पास ए फेज की वाइंडिंग है, इस ए फेज की वाइंडिंग से 60 डिग्री अपार्ट बी फेज की वाइंडिंग है और बी फेज वाइंडिंग से 60 डिग्री अपार्ट सी फेज की वाइंडिंग है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ए ए से 60 डिग्री अपार्ट सी फेज है और इसे मैं सी सी डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो ये आपका सी सी डैश हो गया और इससे 60 डिग्री अपार्ट आपका बी बी डैश है, ये आपका बी बी डैश है। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, आपने कहा सर ए फेज से बी फेज हमारा 60 डिग्री अपार्ट है और बी फेज से सी फेज हमारा 60 डिग्री अपार्ट है। सो ये अगर हम देखें तो ये जो वाइंडिंग है उसको हमने स्टेटर में फंसा रखा है, ये कंडक्टर कहलाते हैं, इसे ओवरहैंग कहते हैं। तो आपने बोला कंडक्टर, ये हमारे पास है ए और ए डैश, ये हमारा कंडक्टर है सी डैश और सी, और उसके बाद ये हमारा कंडक्टर है बी और बी डैश, ओके। आप बोलोगे सर क्या इसमें अंतर होता है? नहीं, इसके कनेक्शन के तरीके की वजह से मैंने ए ए डैश, बी बी डैश और सी सी डैश कहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमने वहां पे आपको वाइंडिंग दिखाई वही वाइंडिंग यहां पर रखी हुई है। किस तरह से रखी हुई है? ये ए ए डैश एक कॉयल है, एक कॉयल का एक सिरा ए में है और एक ए डैश में, ऐसे ही बी डैश बी में और सी डैश सी में। तो ये यहां से यहां तक आपका 60 डिग्री डिस्प्लेस्ड है और ये यहां से यहां तक 60 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। तो आपने बोला सर टोटल ए फेज से बी फेज जो है वो हमें 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड नजर आ रहा है। सिमिलरली आपका ये 60 डिग्री बी फेज से ये आपका 60 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, ये आपका 60 डिग्री डिस्प्लेस्ड है स्पेस में। तो आपने बोला सर फिजिकली 60 डिग्री अपार्ट होने की वजह से बी टू सी फेज भी कितना है? 120 डिग्री। सिमिलरली सी टू ए भी अगर आप देखोगे तो 120 डिग्री। हमने क्या किया, जनरली स्टेटर को हम लोग स्टार कनेक्शन रखते हैं। क्यों रखते हैं इसके बारे में आगे चल के हम वाइंडिंग फैक्टर्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। आपने कहा सर हम हमेशा स्टेटर को जनरेटर के स्टार में रखते हैं, तो स्टार में रखने के लिए मैंने क्या किया, ए डैश सी डैश और बी डैश को आपस में क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ए डैश बी डैश और सी डैश को आपस में शॉर्ट कर दिया और एक न्यूट्रल वायर हमने बाहर निकाल लिया। ये न्यूट्रल वायर जनरली हम ग्राउंडेड कर देते हैं क्योंकि अर्थ एज अ रिटर्न पाथ फॉर द करंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पे हमारे पास ए फेज बी फेज और सी फेज के तीन पोर्ट्स अवेलेबल हैं। ये हमारा हो गया ए फेज, ये हमारा हो गया बी फेज और ये हमारा हो गया सी फेज। तो ये ए सी और बी फेज के तीन पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आपने कहा सर ये जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं वो यहां पर आपके ये बाहर निकल रखे हैं, ए फेज बी फेज और सी फेज। नाउ आई एम होपिंग कि आप थ्री फेज स्टेटर को थोड़ा थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि 120 डिग्री अपार्ट हमने कैसे ऑप्टेन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग, ओके। अब आपने कहा सर यहां पे हम रोटर ले लेते हैं, ये हमारे पास हो गया रोटर। प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, मैं यहां पर ये रोटर ले लेता हूं, ओके। सो आपने कहा सर ये हमारे पास हो गया रोटर और इस रोटर में हमने क्या किया, डीसी करंट बहाई। ये रोटर के कंडक्टर्स और रोटर के कंडक्टर्स में हमने एक डीसी करंट बहाई। जब हम रोटर के कंडक्टर में डीसी करंट बहाएंगे तो इसकी वजह से एक स्टेशनरी फील्ड फॉर्म होगा। आपने कहा सर ये करंट हमेशा इस कंडक्टर में ऐसे ही बहने वाली है और ये करंट इन कंडक्टर्स में हमेशा ऐसे ही बहने वाली। ये आपका वन वन डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, टू टू डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री थ्री डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर फोर डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइव फाइव डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने कहा सर
ये जो कंडक्टर्स हैं ये कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम स्टेटर की बात करें तो स्टेटर की वाइंडिंग ये हमने दिखाई आपको, स्टेटर की वाइंडिंग ये हमारा किसको दिखा रखा है, थ्री फेस स्टेटर को दिखाया। अगर रोटर की वाइंडिंग मैं आपसे कहूं तो रोटर की वाइंडिंग कैसे है, रोटर की वाइंडिंग आपकी इस तरह से है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्वाइल हो गई और इस क्वाइल में ये आपके कंटर्न्स हो गए। तो ये आपने कहा सर ये हमारे पास ए है और ये हमारा वन वन डैश हो गया, ऐसे ही टू टू डैश हो गया, ऐसे ही थ्री थ्री डैश हो गया, और ये हमारा फोर फोर डैश हो गया, और ये हमारा फाइव फाइव डैश हो गया। तो रोटर की वाइंडिंग हमारी ये है और इस रोटर की वाइंडिंग में हमने डीसी दिया है, देयर आर नंबर ऑफ वेज फॉर द एक्साइटेशन। ओके, तो ये हमारा रोटर का वन वन डैश है, टू टू डैश है, थ्री थ्री डैश है, फोर फोर डैश है, फाइव और फाइव डैश है। तो आपने कहा सर यहाँ पे रोटर में जो हमने करंट बहा रखी है वो डीसी करंट बहा रखी है और हमारे बहाने वाली करंट की वजह से ये सभी में एक डायरेक्शन में करंट है और इन सभी में एक डायरेक्शन में करंट है। अब अगर रोटर में बहने वाली करंट इस तरह की होगी तो हमें राइट हैंड ग्रिप रूल से पता है कि एक पोल फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। दो पोल जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अगर हम राइट हैंड ग्रिप रूल का यूज करें। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कहता है, राइट हैंड ग्रिप रूल कहता है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट थंब है तो कर्ल डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। तो आपने कहा सर यहां पे अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ करंट थंब है, बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कर्ल हमारा डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। यहां पे अगर हम देखें तो हमारा थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड का, तो कर्ल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आपने कहा सर ये जो पोर्शन है वो हमेशा कैसा एक्ट करेगा, नॉर्थ की तरह, और ये जो पोर्शन है वो हमेशा कैसा एक्ट करेगा, साउथ की तरह, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ से वापस एंटर करती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, अभी मैंने फील्ड एक्सेस यानी डायरेक्ट एक्सेस और क्वाड्रेचर एक्सेस के बारे में भी आपको बताया था। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो फ्लक्स यहाँ पे आया है वो साइनोसॉइडल है। साइनोसॉइडल फ्लक्स ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं ये अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मान लीजिए कि जो हमारा ये फ्लक्स आया है वो आपका कोसाइनोसॉइडल फ्लक्स है, क्योंकि आप जब भी देखोगे तो रोटेटिंग मशीन में फ्लक्स आपको कोसाइनोसॉइडल मिलेगा और इंड्यूस्ड डीएमएफ हमेशा हम साइनोसॉइडल देखते हैं, डी फाई बाय डीटी। तो अगर मैं फ्लक्स को कोसाइनोसॉइडल देखूं तो आपने बोला सर जो हमारा फ्लक्स है वो कोसाइनोसॉइडल फ्लक्स है, वो कोसाइनोसॉइडल फ्लक्स कैसा है, आपने कहा सर हमारे पास जो फ्लक्स है उसको अगर हम दो पोल की मशीन मान रखे हैं तो हमारा फ्लक्स कोसाइनोसॉइडल है, ये हमारा फ्लक्स है। ओके, सो आपने कहा सर ये अगर हमारा फ्लक्स है कोसाइनोसॉइडल तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है इसकी वजह से, यानी इस करंट के बहने की वजह से, डीसी करंट बहने की वजह से जो हमारा फील्ड है वो अगर मैं यहाँ पे कोसाइनोसॉइडल लेता हूँ यानी हो गया आपका फाई कॉस ओमेगा टी। तो आपने बोला सर अगर ये फाई, मैं इसको फाई कॉस ओमेगा टी लेके चल रहा हूँ, तो आपने बोला सर अगर ये फाई कॉस ओमेगा टी है तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे कितना हो रखा है, फाई हो रखा है, मैं इसको आपका फाई एम कॉस ओमेगा टी कर देता हूं सो दैट इट विल बी मोर कन्वीनियंट। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी, क्यों भाई, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस और एमएमएफ क्या होता है एन इंटू आई। तो आपने कहा सर जो एन इंटू आई है उसके हिसाब से हमारा फाई एम कॉस ओमेगा टी, हमें दो पोल की मशीन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा नॉर्थ, ये हमारा साउथ और फिर ये हमारा नॉर्थ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास दो पोल की मशीन हो गई। ओके, आपने कहा सर हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर्स में सबसे पहले हम अगर देखें तो ए किसके इन्फ्लुएंस में है, तो आपने बोला सर यहाँ पर क्वायल ए ए डैश जो है वो जितना अमाउंट में ए आपका फ्लक्स से लिंक्ड है उतना ही अमाउंट में साउथ से ए डैश लिंक्ड है। ओके, सो आपने बोला सर अगर हम यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पे देखें तो ए और ए डैश में जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, जो हमारा ओवरऑल फ्लक्स है उसको अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं तो ये मैं आपको दिखा रखा हूं कोसाइनोसॉइडल, ये आपका जीरो डिग्री हो गया, 90 डिग्री इंस्टेंट पे आपका
फ्लक्स है फील्ड एक्सिस से 90 डिग्री पे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, फिर ये आपका 180 डिग्री पे साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 270 डिग्री पे फिर आपका जीरो फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका 360 डिग्री पे फिर आपका मैक्सिमम फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या है, आपने बोला सर मैक्सिमम है, यहाँ क्या है जीरो है, और यहाँ क्या है मैक्सिमम है, और ये साइनोसॉइडली डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। तो आपने बोला सर अगर हम वाइंडिंग को देखें तो हमारा फ्लक्स जो है वो वाइंडिंग को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, इस बात को जरा समझते हैं। तो आपने कहा सर हमारे पास कितने वाइंडिंग्स थे, ए बी और सी, तीन वाइंडिंग्स थी। तो यहाँ पे मैं ए वाइंडिंग को अगर देखूँ तो ये हमारी ए है, ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास ए है, तो ए हमारा जो है उससे 60 डिग्री अपार्ट हमारे पास क्या है बी है, और उससे 60 डिग्री अपार्ट हमारे पास क्या है सी है। तो आपने बोला सर यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा ए वाला जो स्लॉट है वो यहाँ पर है, ए डैश वाला जो स्लॉट है वो यहाँ पर है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका ए डैश हो गया। सिमिलरली इससे 60 डिग्री अपार्ट, 60 डिग्री अपार्ट आपने कहा सर हमारा यहाँ पर सी डैश है, आपने कहा सर यहाँ पर हमारा सी डैश है, मैं इसको इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास सी डैश है, और उससे 60 डिग्री अपार्ट हमारे पास आपका दोबारा बी डैश है। तो आपने बोला सर 120 डिग्री अपार्ट जो है वो हमारे पास बी है, और फिर वहाँ से हमारे पास 60 डिग्री अपार्ट ए डैश है, सो फिर ये आपका हो गया टोटल 180, और फिर यहाँ से 60 डिग्री अपार्ट आपने कहा सर ये फिजिकली स्पेस में 60 डिग्री दिखा रहा हूँ, तो 60 डिग्री अपार्ट यहाँ से हमारे पास क्या है, आपने बोला सर यहाँ से 60 डिग्री अपार्ट हमारे पास सी फेज है, और सी फेज बी डैश फेज है, ओके। सो आपने बोला सर ये हमारे पास ए सी डैश बी ए डैश सी फेज है, और इससे 60 डिग्री अपार्ट, इससे 60 डिग्री अपार्ट हमारे पास वापस बी डैश फेज है, उससे 60 डिग्री अपार्ट फिर हमारे पास ए फेज है। सो आपने बोला सर ये मैंने पूरा मशीन को आपके दिखाने का प्रयास किया है कि फ्लक्सेस इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब पोल यहाँ पर है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लक्सेस किस तरह से आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ओके। सो आपने बोला सर इसको हम प्राइम मूवर का यूज़ करके किसी एक डायरेक्शन में घुमा देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, ओके, लेट इट बी रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ से ns। आपने बोला सर रोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड से घुमा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे होंगे उस समय क्या होगा, आपने बोला ए पे मैक्सिमम फ्लक्स है तो ए पे मैक्सिमम इंड्यूस डीएमएफ आएगा, बी पे अगर हम बात करते हैं तो बी पे हमारा फ्लक्स क्या है, आपने बोला सर इस समय बी, इस समय सी डैश पे फ्लक्स जो है वो 60 डिग्री अपार्ट, अगर हम 60 डिग्री अपार्ट यहाँ से फिजिकली देखें तो ये हो जाएगा फाइव एम cos 60, और phi m cos 60 का मतलब हुआ phi m by 2, यानी यहाँ पर फ्लक्स phi m by 2 है। सिमिलरली यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव डायरेक्शन में phi m by 2 है, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस ऑफ phi m by 2 है, और आपने कहा सर सिमिलरली ए पे जो हमारा फ्लक्स है वो माइनस ऑफ phi m है, और अगर हम यहाँ सी डैश पे देखें तो सी डैश पे जो फ्लक्स है वो हमारे पास आपका माइनस phi m by 2 है। सो आपने कहा सर ये 60 डिग्री अपार्ट फ्लक्स दिखा रहा हूँ, और b डैश पे जो फ्लक्स है वो फिर से हमारे पास phi m by 2 है। तो ये अलग अलग कंडक्टर्स कितना फ्लक्स से सब्जेक्टेड है इसी चीज को शो किया हूं। तो आपने कहा सर जिस समय ए मैक्सिमम फ्लक्स से सब्जेक्टेड है उस इंस्टेंट पे सी डैश पे आपका phi m by 2 फ्लक्स है, B पे आपका माइनस phi m by 2 फ्लक्स है, B डैश पे आपका phi m by 2 फ्लक्स है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपने कहा सर यहाँ पे अगर साइनोसॉइडल फ्लक्स है ना तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स है 90 डिग्री पे, और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो फ्लक्स क्या दिखाई देगा, हाफ दिखाई देगा, और इसी इंस्टेंट पे यहाँ पे देखूँ तो फ्लक्स हाफ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसा नॉर्थ है वैसा ही आपका साउथ भी है। तो आपने कहा सर यहाँ पर अगर हम इस मशीन को क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हम कह सकते हैं इंड्यूस डीएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, इंड्यूस डीएमएफ की पोलैरिटी जब भी निकालनी हो
तो अगर आपकी फील्ड रोटेट करती हो तो फील्ड को आप रोक दीजिए और कंडक्टर को आप नेगेटिव डायरेक्शन में घुमा दीजिए या अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं। तो आपने कहा सर ये हमारा कंडक्टर था, फील्ड हमारी इधर घूम रही थी, हम फील्ड को रोक देते हैं और कंडक्टर को उल्टा घुमा के चेक करते हैं। हमेशा कंडक्टर को ही रोटेट करिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी जानने के लिए। तो फील्ड को मैंने रोक दिया, हमेशा रिसीव करिए नॉर्थ यहाँ पे, तो आपने फील्ड को रोक दिया, यहाँ आप नॉर्थ रिसीव कर रहे हैं, कंडक्टर को आप ये राइट हैंड में, आप हमेशा जब भी राइट हैंड रूल यूज करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी आप मार्क कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द कंडक्टर। कैसे मार्क करेंगे? ऑलवेज रिसीव द फ्लक्स ऑन दिस सर्फेस, ऑलवेज रिसीव द फ्लक्स ऑन दिस सर्फेस, ओके, सो ऑलवेज पुट दिस इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ और दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रहा है हमारा थंब, ओके, और ये हमारा दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ पोलैरिटी। तो आपने बोला सर अगर हम यहां पर फील्ड रोटेट हो रही थी, कंडक्टर रुका हुआ था, इसके बजाय हम फील्ड को रोक लेते हैं और कंडक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देते हैं, इफेक्ट सेम पड़ेगा, तो इंड्यूस्ड डीएमएफ की पोलैरिटी कैसी आएगी? आपने कहा सर ए में, सी डैश में और बी डैश में। कैसी आएगी? आउटवर्ड। जबकि बी में, ए डैश में और सी डैश में कैसी आएगी? इनवर्ड। आपने कहा सर इसको इधर घुमाया है, इसको इधर घुमाएंगे, ये साउथ है तो इसके इन फ्रंट में क्या होगा? नॉर्थ होगा। इधर घुमा रहे हैं तो इस वजह से ये इनवर्ड आया। तो आपने बोला सर अगर इस पोजीशन पे देखा जाए तो इंड्यूस डीएमएफ ए ए डैश में मैक्सिमम होगा। अभी मैंने आपको एक डिराइव कराया था नंबर ऑफ साइकिल्स वाला, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ, तो उसी को ध्यान दीजिएगा। इस समय ए और ए डैश मैक्सिमम है, इस समय जो फ्लक्स है वो ए और ए डैश पे मैक्सिमम लिंक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इंड्यूस्ड डीएमएफ ए और ए डैश पे मैक्सिमम होगा। जबकि जो फ्लक्स बी और बी डैश और सी डैश को कट कर रहा है वो क्या है? वो आपने बोला सर वो हमारा हाफ ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स है, तो जाहिर सी बात है यहां इंड्यूस्ड डीएमएफ बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंड्यूस्ड डीएमएफ होगा, यानी ए वाले में जो इंड्यूस्ड डीएमएफ होगा उसका आधा इंड्यूस्ड डीएमएफ बी डैश और सी डैश में हो रहा होगा। सिमिलरली अगर हम इस पूरे क्वाइल में देखें तो इस समय इंड्यूस्ड डीएमएफ क्या हो रहा होगा? आपने बोला सर हमारी जो करंट है ना वो कैसे जा रही है, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा। इंड्यूस्ड डीएमएफ की पोलैरिटी आप यहां पे मार्क कर सकते हो। आपने बोला सर ए में आउटवर्ड है, सी डैश में आउटवर्ड है और बी डैश में आउटवर्ड है, और इनवर्ड किस में है? बी में इनवर्ड है, ए डैश में इनवर्ड है और सी में इनवर्ड है। सो आउटवर्ड करंट की, आउटवर्ड इंड्यूस्ड डीएमएफ की पोलैरिटी मैंने मार्क की प्लस माइनस, प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस, आउटवर्ड इंड्यूस्ड डीएमएफ की पोलैरिटी मार्क की। प्लीज ऑब्जर्व करिएगा इस फिगर को और इस फिगर को आप बार बार देखिएगा, ओके। सो आपने कहा सर अगर हम यहाँ पर देखें तो ए डैश में कैसी होगी? ए डैश में अपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी इनवर्ड के लिए, इसमें भी अपोजिट पोलैरिटी है कंपेरेटिव टू द नॉर्थ, और यहाँ पर भी ये साउथ के इन्फ्लुएंस में है, इस वजह से यहाँ की पोलैरिटी अपोजिट आएगी। आपने कहा सर अगर मान लेते हैं कि यहां पर इस समय मैक्सिमम फ्लक्स है तो कितना वोल्ट आ रहा होगा? आपने बोला 10 वोल्ट्स यहां पर, अभी मैंने आपको डिराइव कराया था वही 10 वोल्ट्स मान के चल रहा हूं, और यहां पर भी 10 वोल्ट्स। तो आपने बोला सर अगर हम फेज टू न्यूट्रल की बात करें तो फेज टू न्यूट्रल ए फेज में टोटल वोल्टेज कितना दिखाई देगा? तो आपने बोला सर प्लस 10 वोल्ट दिखाई देगा, ए पॉजिटिव है और यहां पर आपने बोला सर प्लस 10 और 10 20 वोल्ट दिखाई देगा क्योंकि माइनस से प्लस टर्मिनल जुड़ रहा है। सो आपने बोला सर 20 वोल्ट आपका ए फेज पे दिखाई देगा, जबकि उसी समय सी डैश पे कितना वोल्ट होगा? आपने बोला सर सी डैश पे जो फ्लक्स है वो कितना है? 5m/2 है, तो इसका मतलब इंड्यूस डीएमएफ यहां के कंपेरेटिवली हाफ होगा। तो आपने बोला हाफ होने का मतलब अगर यहां 10 वोल्ट है तो यहां कितना हो रहा होगा? 5 वोल्ट। सिमिलरली सी डैश में भी कितना हो रहा होगा? 5 वोल्ट, क्योंकि जितना सी जो है वो आपका, जितना सी डैश नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में है एग्जैक्टली उतना ही सी आपका साउथ के इन्फ्लुएंस में है। मैंने फुल पिच वाइंडिंग कंसीडर करा हुआ। फिर आपने कहा सर यहां बी में भी कितना होगा? 5 वोल्ट, और यहां पर बी डैश में भी कितना होगा? 5 वोल्ट। तो आपने बोला सर अगर यहां पर हम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज की बात करें तो ए फेज टू न्यूट्रल क्या दिखाई दे रहा है? ए फेज टू न्यूट्रल हमें दिखाई दे रहा है प्लस 10 वोल्ट, क्योंकि ए पे पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है। जबकि हम अगर बी पे देखें तो बी पे आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो आपने बोला सर माइनस में रिप्रेजेंटेड होगा, और माइनस में कितना होगा? टोटल आपका 10 वोल्ट होगा। जिस समय ए फेज 20 वोल्ट का है उस समय ए फेज आपका 20 वोल्ट का है, उस समय बी फेज आपका माइनस 10
10 वोल्ट्स दे रहा है और सी फेज आपका -10 वोल्ट्स दे रहा है। सो आपने बोला सर इंस्टेंट वन पे अगर देखा जाए तो इंस्टेंट वन ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंड्यूस डीएमएफ जो है वो ए का मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा थ्री फेज का इंड्यूस डीएमएफ का डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ ऑब्जर्व करिएगा इसको, प्लीज़ आप अपने कॉपी पे बनाने की कोशिश करिएगा ताकि अगर आप इसे बनाए रखेंगे तो मैं जो आगे आपको बता रहा हूँ वो आप बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। ओके नाउ प्लीज़ ऑब्जर्व, आपने कहा सर अगर हम थ्री फेज जनरेशन को देखें तो ये थ्री फेज जनरेशन कैसा हो रहा है, हमने ये माना था कि 20 वोल्ट जनरेट हो रहा है, हालांकि बहुत बड़ा जनरेटर है ये तो किलो वोल्ट्स में जनरेट हो रहा है, बट मैंने जो डायग्राम बनाया था और मैंने उसमें 10-10 वोल्ट दिखाया था तो उसी को लेके मैं प्रोसीड कर जाता हूं। तो आपने बोला सर ये हमारे पास थ्री फेज जनरेशन कैसा हो रहा है इसे प्लीज जरा आप ऑब्जर्व करिएगा, मैं यहां पर थ्री फेज जनरेशन को शो कर रहा हूं पर फेज पे। तो आपने बोला सर ये हमारा हो गया +20 वोल्ट जो कि मैक्सिमम किसी एक फेज में होगा, -20 वोल्ट हो सकता है नेगेटिव मैक्सिमम में हो जाए, और 10 वोल्ट्स और 10 वोल्ट्स का दो लेवल दिखा देता हूं, +10 वोल्ट्स और -10 वोल्ट्स। ओके सो आपने कहा सर ये हमारा जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ को शो करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं रोटेशन को यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये आपने कहा सर ये आपका 0 डिग्री रोटेशन हो गया, ये आपका 60 डिग्री रोटेशन हो गया, ये 120 डिग्री रोटेशन हो गया, ये आपका रोटेशन हो गया, मतलब मैं घुमा रहा हूं 0 डिग्री 60 डिग्री घूम गया, फिर 120 डिग्री घूम गया, फिर आपका 180 डिग्री घूम गया, 240 डिग्री आपका ये मैंने घुमा दिया रोटर को, या आपने कहा सर हमने 300 डिग्री घुमा दिया और 360 डिग्री घुमा दिया। तो इंस्टेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मैं इसको टोटल 7 इंस्टेंट्स में बांट के देखने की कोशिश करता हूँ। तो जरा ध्यान दीजिएगा जहाँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर, ओके रोटर के रोटेशन का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने बोला सर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ए फेज कितना है, आपने बोला ये आपका 20 वोल्ट है, और इस समय ईबी और ईसी कितना है, तो आपने बोला ईबी और ईसी दोनों ही -10 वोल्ट है इंस्टेंट वन पे, यानी जब पोजीशन 0 डिग्री पे है। अब इसको घुमा देते हैं, अगर हम इसको 60 डिग्री घुमा दें तो आप 60 डिग्री घुमाने के बाद पाएंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स किस फेज में आ रहा है, बी वाले में, और कैसा आ रहा है, नेगेटिव में, क्योंकि बी डैश नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में और बी साउथ के इन्फ्लुएंस में, जबकि यहां ए आपका नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में था और ए डैश साउथ के इन्फ्लुएंस में था, तो पॉजिटिव में आ रहा था। तो आपने बोला सर ये जब यहां पे घूम के आएगा तो बी डैश जो है वो नेगेटिव में आ, बी डैश आपका नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में है और बी आपका साउथ के इन्फ्लुएंस में है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी होगी वो यही होगी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, ये 20 वोल्ट। तो आपने बोला सर बी फेज जो है वो 60 डिग्री रोटेशन के बाद आपका -20 वोल्ट आपको वोल्टेज देगा, जिस समय ये -20 वोल्ट दे रहा होगा उस समय ए फेज और आपका सी फेज कितना दे रहा होगा। आपने बोला अब ये दोनों 60 डिग्री अपार्ट है, मेन अगर यहां पे नॉर्थ आ चुका है तो इस नॉर्थ से ये 60 डिग्री अपार्ट है और ये 60 डिग्री अपार्ट है, तो इन दोनों पे फ्लक्स हाफ है, ए वाले पे नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में तो पॉजिटिव में 10 वोल्ट देगा, जबकि सी वाला आपका नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, जैसे ही सी नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा सी भी क्या देगा, पॉजिटिव 10 वोल्ट्स देगा। तो आपने कहा सर जब हम 60 डिग्री रोटेट कर दिए तो हमारा जो ए फेज है वो हमारा आ गया +10 वोल्ट पे, और जो हमारा सी फेज है वो हमारा आ गया +10 वोल्ट्स पे। मैं सी फेज के लिए ग्रीन वायर यूज कर लेता हूं ताकि अलग अलग आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे पाए। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा आ गया 10 वोल्ट्स पे और ये हमारा आ गया 10 वोल्ट्स पे। तो आपने बोला सर 60 डिग्री बाद अलग अलग फेजेस में अगर देखा जाए तो ये आपका +10 वोल्ट्स पहुंचा है, ईसी आपका +10 वोल्ट्स पहुंचा है और ईबी आपका -10
10 वोल्ट्स माइनस 20 वोल्ट्स पहुंच गया और मैं रोटेट कर देता हूं। अभी मैंने कितना रोटेट किया था, 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद और 60 डिग्री रोटेट कर देता हूं। जब मैं और 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये तीनों नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। यानी आपने कहा सर सी में पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, तो सी में पॉजिटिव में मैक्सिमम होने का मतलब हुआ सी में अब कितना वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो आपने बोला सर ये ईसी जो है वो आपको 20 वोल्ट का आपको नजर आएगा। अब जब आपने 120 डिग्री इसको घुमा दिया है यहां से यहां तक, तो अब ये तीनों आपके किसके इन्फ्लुएंस में है, नॉर्थ के। तो आपने बोला सर नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में इन तीनों में डॉट आएगा और ये तीनों किसके इन्फ्लुएंस में आ गए, साउथ के इन्फ्लुएंस में। ये पेन का जो पॉइंटर है वो नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने 120 डिग्री यहां से रोटेट कर दिया। तो आपने बोला सर इस समय ए डैश में डॉट आ जाएगा और बी डैश में डॉट आ जाएगा, यानी ए और बी दोनों क्या मिलेंगे, माइनस 10 वोल्ट्स। तो ए भी आपका माइनस 10 वोल्ट्स पे पहुंच जाएगा अब तक और बी भी आपका माइनस 10 वोल्ट्स पे पहुंच जाएगा। आपने कहा सर ये हमारा इंस्टेंट 3 पे, यानी आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन हमें वोल्टेज मिलेगा। फिर मैं और घुमा देता हूं। आपने बोला सर यहां से आपने 60 घुमाया था, फिर आपने 120 घुमाया था, 180 घुमा दीजिए। अगर आप 180 घुमा दोगे तो क्या होगा, ये तीनों नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे मतलब आउटवर्ड और ये तीनों साउथ के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे मतलब इनवर्ड। तो ए में आपका पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, साउथ के इन्फ्लुएंस में आ गया ए डैश, तो यहां पे आउटवर्ड और यहां पे इनवर्ड, यानी ए में माइनस 20 वोल्ट्स पहुंच जाएगा। ए फेज जो है उसमें वोल्टेज कितना हो गया, ए फेज में लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आपको मिलेगा माइनस 20 वोल्ट्स। तो आपने बोला सर ये हमारा माइनस 20 वोल्ट्स पहुंच जाएगा, जबकि आपका इसी इंस्टेंट पे, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा बेटा, इसी इंस्टेंट पे ये दोनों किसके इन्फ्लुएंस में आ गए, अब नॉर्थ के। तो बी और सी दोनों नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ गए, तो बी भी डॉट और सी भी डॉट। जब ए डॉट था तो ए पॉजिटिव में था, तो जब बी और सी डॉट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में दोनों कितने हो जाएंगे, 10 वोल्ट्स के, क्योंकि इन पे जो फ्लक्सेस है वो आपका कितना हो गया है, हाफ हो गया है। तो इनका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आपने बोला सर ये हमारे पास इंस्टेंट नंबर 3 या इंस्टेंट 4 पे आएगा। इंस्टेंट 4 के बाद ऐसे ही हम अगर चलते चले जाएं तो अगले इंस्टेंट पे, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही हमने क्या किया था, यहां से 60 घुमाया था, 120 घुमाया था, 180 घुमाया था, 240 घुमा दूं तो बी आपका मैक्सिमम हो जाएगा पॉजिटिव में। तो 240 घुमाने पे आपका बी पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपने बोला सर ये हमारा ई बी मैक्सिमम आ जाएगा और उस समय सी और ए दोनों नेगेटिव में 10-10 वोल्ट दे रहे होंगे। देखिए ओके सो आपने कहा सर अगर हम इसको कंप्लीट करते चले जाएं, ऐसे ही बाकी सारे रोटेशंस को चेक करता जा रहा हूं, तो जब मैंने बाकी सारे रोटेशंस को चेक किया तो मैंने ये पाया कि ये हमारे पास इस तरह से वोल्टेज जनरेट हो रहा है। आपका जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये ई बी और ई सी, वो इस तरह से 3 फेज वोल्टेज आपका जनरेट हो रहा जो कि 120 डिग्री अपार्ट हो गया। किस में, आपने बोला समय में, क्यों भाई, क्योंकि ये आपका एंगल ऑफ रोटेशन था तो एंगल ऑफ रोटेशन के हिसाब से ही आपका इंड्यूस डीएमएफ आ रहा है। अब आपने कहा सर अगर हम इसको तेज घुमाते तो जाहिर सी बात है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता। तो आप बोलते सर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता, बढ़ जाता। आपने बोला सर अगर हम इसे धीमे घुमाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कम मिलेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे निर्भर करता है, आपने कहा सर स्पीड ऑफ रोटेशन पे निर्भर करता है। अब हम जितना तेज घुमाएंगे उतना तेजी से ये 3 फेज वोल्टेज जो मैंने यहां पे आपको दिखाया है वो जनरेट होता चला जाएगा और वोल्टेजेस टाइम में अपार्ट हो जाएंगे 120 डिग्री। टाइम में अपार्ट होने का मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं ए फेज को ले लेता हूं तो आपने बोला सर इसकी एक साइकिल जो कंप्लीट हो रही है वो आपकी 360 डिग्री, एक साइकिल आपकी ये पूरी कंप्लीट हो रही है वो कितने देर में हो रही है, एक रोटेशन में, क्योंकि 2 पोल की मशीन है। यही 4 पोल की मशीन होती तो ये 2 साइकिल पूरी कर लिया होता, जैसा मैंने आगे पिछला आपको अभी मैंने समझाया था। तो यहां पर आप कह सकते हो सर ये जो वोल्टेजेस हैं ईए ईबी और ईसी ये टाइम में डिस्प्लेस्ड हो गए। कितना डिस्प्लेस्ड हो गए, ईए ईबी और ईसी टाइम में डिस्प्लेस्ड हो गए। अगर हम फेज सीक्वेंस की बात करें तो फेज सीक्वेंस क्या है, ये फेज सीक्वेंस आपने कहा सर हमने किधर घुमा रखा था, हमने इधर घुमा रखा था, तो पहले क्या आया है ए,
फिर आपका क्या कट हुआ है सी, फिर आपका क्या कट हुआ है बी। बट फेज सीक्वेंस ऐसे नहीं दिखाया जाता, फेज सीक्वेंस दिखाने का तरीका है, वो तरीका ये है कि आप स्टेशनरी रहिए। जब भी फेजर्स रिप्रेजेंट किया जाता है तो फेजर हमेशा मैग्नीट्यूड और एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने इसको रेफरेंस माना है तो इससे 120 डिग्री बाद सी मैक्सिमम हो रहा है और उससे 120 डिग्री बाद बी मैक्सिमम हो रहा है। तो आपने बोला सर फेज सीक्वेंस क्या हो गया, तो फेज सीक्वेंस हो जाएगा ए सी बी। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि इसे यही घूम रहा, नहीं यही नहीं घूम रहा, फेजर को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कराते हैं और आप स्टेशनरी रह के फेजर को देखते हैं। तो आपको पहले कौन सा फेज ऑब्जर्व होगा, मैक्सिमम ए, उससे 120 डिग्री बाद सी, उससे 120 डिग्री बाद बी। तो आपने बोला सर फेज सीक्वेंस हमारा क्या आ गया ए बी सी, सो दिस इज द फेज सीक्वेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपने कहा सर ये हमारे पास फेज सीक्वेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, फेज सीक्वेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास आया ए सी बी। ओके, और ये फेज सीक्वेंस जो है वो आपका, आपने कहा सर 120 डिग्री अपार्ट है और ये बैलेंस्ड थ्री फेज वोल्टेज हमारा जनरेटर जो है वो जनरेट कर रहा है। हमने इसे एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में दिखाया था, जो एंगल ऑफ रोटेशन है अगर हमारी दो पोल की मशीन है तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है वही आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टली वही रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कहा सर ईए से ईसी जो है वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है और ईसी से ईबी जो है वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। ओके, अब आपने कहा सर अगर मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को पलट देता तो क्या फर्क पड़ता, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा। अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया था तो ए को पहले इसने मैक्सिमम में काटा था, फिर सी को काटा था, फिर बी को काटा था, तो फेज सीक्वेंस जो आ रहा था वो ए सी बी आ रहा था। लेकिन अगर मान लेते हैं कि रोटर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, हालांकि सिंक्रोनस जनरेटर्स को या सिंक्रोनस अल्टरनेटर्स को हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बट मान लीजिए अगर हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या फर्क पड़ेगा। आपने कहा सर पहले ए मैक्सिमम होगा, फिर बी मैक्सिमम होगा और फिर सी मैक्सिमम होगा, तो फेज सीक्वेंस हमारा क्या बन जाएगा ए बी सी। ओके, सो तब हम कह सकते हैं उस समय कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस पर निर्भर कर रहा है, फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई पे निर्भर कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर अगर हम फील्ड को पलट दें और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रखें तो क्या फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी बेटा। अगर मान लीजिए आपने फील्ड को पलट भी दिया होता तो यहां नॉर्थ होता यहां साउथ होता, तब भी आपका मैक्सिमम क्या होता, आप बोलते सर ए फिर बी, ए के बाद फिर क्या मैक्सिमम होता, आप बोलते सर फिर आपका सी और फिर आपका ये, क्योंकि यहां पे अगर आप ये नॉर्थ होता तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहा ना। तो आपने कहा सर फेज सीक्वेंस तो तब भी वही है, हम ए बी सी से चालू करें या बी ए सी देखें तो फेज सीक्वेंस सेम है। आप इसको कहीं से भी देखेंगे तो फेज सीक्वेंस सेम है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब आप कहां से देख रहे हैं, अगर आपने कहा सर हम यहां से देख रहे हैं तो ए बी सी, यहां से देख रहे हैं तो बी सी ए इज सेम एज ए बी सी, यहां से देख रहे हैं तो सी ए बी इज सेम एज ए बी सी। तो आपने बोला सर अगर हम फील्ड को पलट दें और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रखें तो फेज सीक्वेंस फिर क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर बी ए सी। बी ए सी का मतलब क्या हुआ, बी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम अगर सेम रखें। ओके, सो ये ए बी सी किसके लिए था, क्लॉकवाइज के लिए। आपने कहा सर मान लीजिए ये फील्ड है हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ए को काटेगा फिर बी को काटेगा फिर सी को काटेगा। अगर हम फील्ड को पलट दें और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रखें तो आप बोलोगे सर पहले किसे काटेगा, पहले सी को काटेगा फिर ए को काटेगा फिर बी को काटेगा, तो हमारे पास क्या आया सी ए बी, दैट इज सेम एज ए बी सी। ओके, आपने कहा सर फील्ड को पलटने से फेज सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेज सीक्वेंस टोटली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर। ओके, सो फेज सीक्वेंस टोटली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर। आप यहां पे कह सकते हो इन सिंक्रोनस मशीन, इन सिंक्रोनस जनरेटर फेज सीक्वेंस of induced EMF depends upon direction of rotation, it does not depends upon polarity of field. Polarity of
फील्ड टर्मिनल्स। सो फेज सीक्वेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द फेज सीक्वेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ फील्ड टर्मिनल्स। आप चाहे फील्ड का कोई भी पोलैरिटी ले लें, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपकी सेम है तो आप बोलोगे फेज सीक्वेंस आपका सेम जो पहले आ रहा है वही रह जाएगा। ओके, सो यहां पे हमने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर। आई एम होपिंग कि आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया है। ओके बेटा, अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से फील नहीं कर पाए हो तो एक बार इसे अपनी कॉपी में जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप लिखते जाइएगा, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग इन सिंक्रोनस जनरेटर। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट सोचता है सर मैग्नेटिक लॉकिंग होती है तो जनरेटर में मैग्नेटिक लॉकिंग दिख नहीं रही है और कैसे बनी रहेगी हर समय जब हम रोटेट कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको अभी जस्ट पहले, इससे पहले आपने जो सेक्शन देखा उसमें मैंने आपको समझाया कि प्राइम मूवर की हेल्प से हमने रोटर को रोटेट कर दिया था एट ए स्पीड ऑफ से एन आर। ओके, आपने बोला सर जब हम इसे रोटेट किए थे एट अ स्पीड ऑफ एन आर तो यहाँ पे इंड्यूस्ड डीएमएफ आया था, जहाँ इंड्यूस्ड डीएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या थी, पी एन बाय 120, जहाँ पे एन जो था वो आरपीएम में रोटर की स्पीड थी। तो आपने बोला सर चूंकि वाइंडिंग रुकी हुई है तो हमने डिराइव भी किया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रोटर स्पीड। अब चूंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी है तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी है। अब हमने अगर जनरेटर खरीदा है तो उसे ओपन सर्किट पे तो चलाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। आपने बोला सर ये जनरेटर पे हम लोड भी लगाएंगे, तो जब आप लोड लगाएंगे तभी करंट बहेगी स्टेटर में, अदरवाइज स्टेटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो अगर मैं स्टेटर में मान लीजिए यहां पर इंपीडेंस लगा देता हूं, तो आपने बोला सर जब मैं यहां लोड लगाऊंगा तो मान लीजिए ये थ्री फेज लोड लगा दिया आपने, तो बोला आपने यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, आईए फ्लो करेगी, आईबी फ्लो करेगी, आईसी फ्लो करेगी। जिस समय आईए मैक्सिमम फ्लो कर रही होगी उस समय आईबी और आईसी जो है वो नेगेटिव में मैक्सिमम फ्लो कर रही है, ये हमें डायरेक्शन ऑफ करंट खुद ही बता रहा है। ओके, आपने कहा सर इस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब करंट क्या होगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। इंपीडेंस जो है वो करंट का फेज और मैग्नीट्यूड बदल सकता है, फ्रीक्वेंसी तो वही होगी जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, यानी इस करंट की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी। तो आपने बोला सर हम सबको पता है कि जब थ्री फेज स्टेटर डिस्प्लेस जो स्पेस में 120 डिग्री और उसमें बहने वाली करंट अपार्ट हो टाइम में 120 डिग्री, चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम में अपार्ट है इसलिए ये करंट भी टाइम में अपार्ट है। तो आपने बोला व्हेन थ्री फेज स्टेटर डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय 120 डिग्री इज सप्लाइड बाय थ्री फेज करंट डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय 120 डिग्री देन अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। आपने बोला सर ये बहने वाली करंट जब फ्लो करेंगी तो ये भी एक फील्ड बनाएंगी, ये फील्ड कहलाएगी स्टेटर की फील्ड। राइट हैंड ग्रिप रूल का अगर यूज किया जाए तो डायरेक्शन ऑफ करंट थंब है तो ये कर्ल डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बता रहा होगा। तो जो स्टेटर की फील्ड है, अगर हम स्टेटर की फील्ड देखें तो स्टेटर की फील्ड हमें कैसी देखने को मिल रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने बोला सर ये हमारी स्टेटर की फील्ड है और स्टेटर की फील्ड हमें ऐसी देखने को मिल रही है। राइट हैंड ग्रिप रूल से अगर हम देखें तो स्टेटर की फील्ड हमें ऐसी देखने को मिल रही है। इस हिसाब से ये वाला पोर्शन जो स्टेटर का होगा वो कैसा एक्ट करेगा, नॉर्थ, और ये वाला पोर्शन स्टेटर का कैसा एक्ट करेगा, साउथ। ओके, सो आपने बोला सर अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि साइनोसॉइडल फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो रोटर का नॉर्थ है वो किस तरह से डायरेक्टेड है। आपने बोला सर इस तरह से हमारा रोटर का नॉर्थ डायरेक्टेड है, ये हमारी फील्ड कहलाएगी रोटर फील्ड, ये हमारी फील्ड कहलाएगी रोटर फील्ड। और अगर आप स्टेटर का नॉर्थ साउथ देखें तो स्टेटर की फील्ड आपको कैसी नजर आएगी। आपने कहा सर अगर स्टेटर की भी साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये हमें स्टेटर का फील्ड नजर आएगा, तो ये हमारा स्टेटर का फील्ड हो गया, दैट इज स्टेटर फील्ड। ओके, सो आपने क्या कहा,
सर हमेशा जो ये नॉर्थ है ना वो स्टेटर के साउथ की तरफ अलाइन होना चाहेगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस डायरेक्शन में आ रहा, इस डायरेक्शन में, और जो जो आप अप्लाई करके टॉर्क, जो आप प्राइम मूवर के थ्रू टॉर्क अप्लाई कर रखे हो उसकी वजह से आपने मशीन को किधर घुमा रखा, आपने मशीन को इस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करके इस डायरेक्शन में मशीन को क्या कर रखा है, घुमा रखा है। तो आपने बोला सर जिस स्पीड से मैं घुमा रहा होऊंगा उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ आएगा इन द स्टेटर। सो आपने बोला सर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ इन स्टेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेटर, ओके, एंड सेम एज और यू कैन से जब आपकी करंट फ्लो करेगी तो करंट क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी इंड्यूस्ड डीएमएफ अपॉन इंपीडेंस पर फेज, इंड्यूस्ड डीएमएफ अपॉन पर फेज इन ये। सो आपने बोला सर सो करंट फ्रीक्वेंसी, करंट स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी सेम एज द इंड्यूस्ड डीएमएफ ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी। सो स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी, स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी इज सेम एज, स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी इज सेम एज स्टेटर इंड्यूस्ड डीएमएफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इंपीडेंस कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी, इट कैन ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल ऑफ द करंट, बट द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। सो स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी इज सेम एज स्टेटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी। सो आप कह सकते हो सर इस हिसाब से आपने कहा सर जो करंट फ्लो हो रही है स्टेटर में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ। सो दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन स्टेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन स्टेटर इज आप कह सकते हो सर हमारी फ्रीक्वेंसी है स्टेटर में वो है पी एन एस अपॉन 120, जहां पे एन जो है वो स्पीड है इन आरपीएम, दैट इज स्पीड ऑफ द रोटर इन आरपीएम। सो आपने कहा सर ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन स्टेटर। हम सबको अभी हमने थ्री फेज इंडक्शन मशीन में पढ़ा था, अगर आप वहां पे जाके कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखोगे जो मैंने आपको बताया है तो वहां पे इसे मैंने डिटेल में बताया है कि थ्री फेज स्टेटर में अगर थ्री फेज करंट बहती है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैं यहां पे दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, आपके पास वीडियो है आप वापस जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आपने बोला सर जब थ्री फेज स्टेटर में थ्री फेज करंट बहेगी तो बहने वाली थ्री फेज करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपने बोला सर फ्रीक्वेंसी होगी पी डेल्टा एन बाय 120। तो हम सबको पता है व्हेन अ थ्री फेज स्टेटर डिस्प्लेस इन स्पेस बाय 120 डिग्री इज सप्लाइड और द करंट फ्लोइंग इन अ स्टेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी एफ, देन देयर विल बी अ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड एंड द फ्लक्स इज रोटेटिंग, दैट फ्लक्स इज रोटेट विद अ स्पीड ऑफ, सो स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स क्या हो जाएगा। सो आपने बोला स्टेटर फ्लक्स की स्पीड जो है वो हो जाएगी 120 इंटू एफ बाई पी, 120 इंटू एफ बाई पी, और आपने कहा सर अगर हम यहां से देखें तो ये हो जाएगा 120 बाई पी, एफ क्या है, F हमारा है पी एन बाय 120। सो आपने कहा सर नंबर ऑफ स्टेटर पोल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल, चाहे वो कोई भी मशीन हो, कोई भी रोटेटिंग मशीन जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पे काम करती है उसमें नंबर ऑफ स्टेटर पोल नंबर ऑफ रोटर पोल के बराबर ही होने चाहिए। सो आपने बोला सर पी पी विल कैंसिल आउट, 120 विल कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू एन, दैट इज स्पीड ऑफ रोटर। यानी आपने कहा सर स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स क्या आया, स्पीड ऑफ रोटर के बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों रोटर का फ्लक्स तो उतना ही तेज घूमेगा जितना तेज आपका क्या घूम रहा है, रोटर घूम रहा है। तो आपने बोला स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स एंड स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स अगर देखा जाए तो सेम है, अगर दोनों की स्पीड सेम है तो इसका मतलब दे आर मैग्नेटिकली लॉक्ड, यस, एंड दैट इज वाई ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो बना हुआ है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बना हुआ है, इसीलिए पावर मैकेनिकल साइड से इलेक्ट्रिकल साइड में फेड हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी स्टेटर का फील्ड, जब भी रोटर का फील्ड स्टेटर के फील्ड से आगे होगा हमेशा मैकेनिकल पावर फ्लो जो है वो हमेशा मैकेनिकल साइड से इलेक्ट्रिकल साइड में होगी, जब भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उल्टा होता है, हमेशा पावर किधर से फ्लो होती है, मैकेनिकल साइड से इलेक्ट्रिकल साइड में। तो ये मशीन इस समय क्या एक्ट कर रही है, एज अ जनरेटर। तो आप देखोगे हर स्पीड, जिस स्पीड पे आप घुमा दो ना, उस स्पीड पे मैग्नेटिक लॉकिंग बनी हुई है इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिंक्रोनस जनरेटर को धीमे घुमाऊं तब भी वो जनरेशन करेगा और तेज घुमाऊं तब भी वो जनरेशन करेगा। यस ऑफ कोर्स, जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली है। अगर आप उसको उठा के ग्रिड में डाल देते हो जो कि इनफाइनाइट बस बार है, तो इनफाइनाइट बस बार की फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होती है, तो वहां पर हमारी मशीन मोटरिंग और जनरेटिंग किसी मोड में जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। बट अगर आप इंडिपेंडेंटली एक जनरेटर यूज कर रहे हो, तो इंडिपेंडेंटली जनरेटर को आप जिस स्पीड से घुमाओगे ना, वो उस स्पीड पे जनरेशन करेगा, क्योंकि हर स्पीड पे यहां मैग्नेटिक लॉकिंग बनी हुई रहेगी। लेकिन हाँ, जितनी स्पीड से आप घुमाओगे वही आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अब यहां से हम इस बात को समझ पाए कि हमारे यहां जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज की। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, पी इंटू एन बाय 120। अब आपने कहा सर यहां पर हमें, हमारे यहां फ्रीक्वेंसी क्या है, आवर ग्रिड इज ऑफ 50 हर्ट्ज, हमारा ग्रिड जो है वो 50 हर्ट्ज का है, और अगर 50 हर्ट्ज का है तो आप कह सकते हो 50 इंटू 120 इज इक्वल टू पी इंटू एन। यहां से आप कह सकते हो एन क्या होगा, स्पीड ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 6000 अपॉन पी। यानी कितने नंबर ऑफ पोल की मशीन है ये इस बात पे निर्भर कर रहा है। तो आपने बोला अगर हमारी मशीन दो पोल की है तो जाहिर सी बात है हमें जो रोटेशन रिक्वायर्ड होगी फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई वो कितनी चाहिए होगी। आपने बोला सर 6000 बाय 2 यानी 3000 आरपीएम, यानी हमें मशीन को 3000 आरपीएम से घुमाना होगा। यही अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारी मशीन की जो पोल है वो 4 पोल है, तो स्पीड ऑफ रिक्वायरमेंट क्या आया, स्पीड ऑफ रोटेशन का रिक्वायरमेंट होगा कि हम इसे कितनी तेज घुमाए, दैट इज इक्वल टू 1500 आरपीएम। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितने पोल की मशीन बनाते हो। अब अगर मैंने दो पोल की मशीन बनाई है और मैं 50 हर्ट्ज की सप्लाई चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे इसे 3000 आरपीएम से घुमाना। यही मैंने चार पोल की मशीन बनाई है, मैं 50 हर्ट्ज की सप्लाई चाहता हूं, तो मुझे इसे कितने स्पीड से घुमाना है। आपने बोला सर आपको इसे 1500 आरपीएम से घुमाना पड़ेगा। तो यहां पे हमें समझ में आया कि स्पीड ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी नीडेड एज वेल एज नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ मशीन। ओके, अब आपने कहा सर कितने पोल की मशीन डिजाइन करें, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू, आप कह सकते हो सर 6000 हमारे ग्रिड पे। अब हमारा ग्रिड 50 हर्ट्ज का है तो हमने इसके लिए 120 इंटू 50 6000 लिखा है इंटू एन। अब मान लीजिए आपने जो प्राइम मूवर चूज किया, ये जो हमने यहाँ पे घुमाने के लिए प्राइम मूवर लिया था, प्राइम मूवर्स की अपनी लिमिटेशन होगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रो टारबाइन की, तो हाइड्रो टारबाइन बहुत ज़्यादा तेज नहीं घूम सकते। तो अगर बहुत ज़्यादा तेज नहीं घूम सकते तो जाहिर सी बात है कि हमें नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपने बोला सर अगर मान लीजिए हमारा टारबाइन का लिमिट है 300 आरपीएम, तो अगर टारबाइन का लिमिट 300 आरपीएम होगा ना, तो आपको नंबर ऑफ पोल्स कितने चाहिए होंगे, आपको 20 पोल्स चाहिए होंगे। यही टारबाइन मान लीजिए हमारे पास टर्बो अल्टरनेटर है, यानी स्टीम है, या फिर आप कहिए डीजल है। स्टीम अल्टरनेटर या डीजल के केस में क्या होगा, वी कैन रोटेट एट वेरी हाई स्पीड, स्टीम की डेंसिटी बहुत कम है। सो आप बोले आप बहुत तेज उस रोटर को आप घुमा सकते, प्राइम मूवर को आप घुमा सकते हो। तो अगर प्राइम मूवर को घुमा सकते हो मतलब रोटर को आप तेज घुमा सकते हो, तो इस कंडीशन में आप ये बोलोगे सर नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। स्टीम या डीजल टरबाइन की बात की जाए तो इनके लिए स्पीड जो है वो 3000 या आप कह सकते हो 1500 होती है, इसलिए नंबर ऑफ पोल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कितनी होती है, दो पोल या चार पोल। तो इस बेसिस पे हमारी जो हाइड्रो मशीन्स हैं उनको हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पोल्स मशीन्स भी कहते हैं, और टर्बो या डीजल को फ्यू नंबर ऑफ पोल्स मशीन्स भी कहते हैं, या लेस नंबर ऑफ पोल्स मशीन के नाम से भी जानते हैं। प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, आपने कहा सर अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रो अल्टरनेटर्स हैं, तो हाइड्रो अल्टरनेटर्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रो अल्टरनेटर्स ऑपरेट बेस्ट एट लो स्पीड, दे विल ऑपरेट बेस्ट एट लो स्पीड। सो अगर ये लो स्पीड पे अच्छा चल सकते हैं
टिपिकली आप कह सकते हो सर 300 RPM. सो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, आपने कहा सर 6000 अपॉन 300 दैट इज इक्वल्स टू 20 या मोर नंबर ऑफ पोल्स आर रिक्वायर्ड. सो लार्ज नंबर ऑफ पोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रो अल्टरनेटर्स. ओके, सो आपने बोला सर हाइड्रो अल्टरनेटर्स के केस में हमें लार्ज नंबर ऑफ पोल्स की जरूरत पड़ती है. ओके, अब आपने कहा सर अगर हम बात करते हैं अपने इस टर्बो अल्टरनेटर की, तो टर्बो अल्टरनेटर के केस में, आप कह सकते हो सर ये ऑपरेट करता है बेस्ट एट हाई स्पीड. सो आपने कहा सर ये अल्टरनेटर्स ज़्यादा अच्छे चलेंगे हाई स्पीड पे. अगर टिपिकल स्पीड की बात की जाए तो टिपिकल स्पीड इसकी होती है आपकी 3000 RPM. सो आपने बोला सर इस हिसाब से नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 6000 by 3000 that is equals to 2. So few poles are required for turbo and diesel alternators. अब यही अगर मैं diesel alternator की बात करूँ तो diesel alternator operate best होता है 1500 RPM पे, operates best at 1500 RPM. So number of poles required for 50 hertz supply, number of poles required is equals to, आप कह सकते हो सर 6000 by 1500 that is equals to 4. So number of poles required will be lower in case of turbo and diesel, while number of poles required in case of hydro are more. Okay, so few pole machines are hydro machines, while more pole machines are turbo or diesel machines. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि magnetic locking हमेशा बनी है, हमें frequency क्या चाहिए. अच्छा आप बोलोगे सर क्या हम अपने alternator से 60 hertz नहीं generate कर सकते, बिल्कुल generate कर सकते हो बेटा. अगर दो पोल की मशीन है और आप 60 hertz चाहते हो तो आपको मशीन को 3600 RPM से घुमाना चाहिए. आप 3600 RPM से घुमाओगे easily आप कर सकते हो. लेकिन एक्चुअली क्या है, हम जो पावर जनरेशन, चूंकि हमारा पूरा ग्रिड सिस्टम 50 hertz का है, अगर कोई नया alternator हम 60 hertz पे ला के इंस्टॉल कर देंगे तो उससे हमारे फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक ग्रिड पे सभी ऑल्टरनेटर्स को कनेक्ट करें तो हमारे पास जो ग्रिड है वो एक इनफाइनाइट ग्रिड की तरह से काम करना स्टार्ट कर देगा. ओके, सो इंडिपेंडेंटली लोड को हम नहीं फेड कर रहे हैं. फिर दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं वो सारे के सारे ट्रेडिशनली 50 हर्ट्स के लिए ही डिजाइंड है. अब अगर हम 60 हर्ट्स का अल्टरनेटर लेके आएंगे तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हमारी जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो जाएगी, उनका सैचुरेशन बढ़ जाएगा. जैसे इंडक्शन मशीन की बात करते हैं, अब 50 हर्ट्स के लिए बनाई गई है, आप 60 हर्ट्स पे चला रहे हो तो जाहिर सी बात है हमारे लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. तो क्योंकि हिस्टेरेसिस लूप में जहां 50 हर्ट्ज के केस में 50 साइकल्स आपकी 50 बार आपका आता है हिस्टेरेसिस लूप, वहां अब आपका 60 बार है तो लॉसेस बढ़ जाएंगे. सो इसके लिए जो हमारे पास जो मशीन डिजाइन है वो अगर 50 हर्ट्ज के लिए है तो हम ऑल्टरनेटर भी क्या यूज करेंगे 50 हर्ट्ज के लिए. अब ऐसा नहीं कि आप अपना डीजल ऑल्टरनेटर लेके आओगे और बोलोगे हम कम स्पीड पे घुमाएंगे, क्योंकि कम स्पीड पे घुमाओगे तो उससे चलाओगे क्या, तुम्हारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी तो होना चाहिए जो उस फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइंड हो. ओके, सो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था मैग्नेटिक लॉकिंग इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर. और हमने यहां पर ये पाया कि स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर इज द सेम एज स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स, एंड रोटर फ्लक्स स्पीड इज सेम एज द स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स. सो किसी भी स्पीड पे मैग्नेटिक लॉकिंग बनी हुई है. नंबर ऑफ पोल्स किस पर निर्भर करते हैं, ये टर्बाइन की लिमिट पर निर्भर करते हैं. अब टर्बाइन की स्पीड लिमिट क्या है, तो अगर हम देखें टर्बाइन की स्पीड लिमिट कम होने पर ज्यादा पोल की मशीन बनाने की आवश्यकता होती है, और टर्बाइन लिमिट अधिक होने पे कम पोल की मशीन बनाने की आवश्यकता होती है. ठीक है.